तो साथियों, एक और व्लॉग के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूं, और आज हम हैं कलकत्ता के अलीपुर जेल के साथ में लगा हुआ। ये अलीपुर जेल था जो अब अलीपुर म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो मेरे साथ चलिए और मैं आपको इस अलीपुर म्यूजियम के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और चैनल को कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, ये एक मैं आपको व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये सामने ऊपर में एक रेस्टोरेंट है और मैं आपको एक जस्ट 360 का व्यू दिखा दे रहा हूँ। और ये देखिए, हम आ चुके हैं मैप ऑफ अलीपुर म्यूजियम। तो ये देखिए, इसका लेआउट है। तो ये आपका ये टॉली नाला है, और ये भी देखिए सारे यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, टिकट काउंटर से लेकर यहाँ टॉयलेट, वॉच टावर, नेताजी सेल, और यहाँ पर क्यूरेटर, नेहरू सेल, गैलोज सभी दिया है। तो बारी बारी हम आपको चलेंगे और दिखाते चलेंगे। तो मेरे साथ चलिए, तो मैं आपको हर वो चीज़ दिखाऊंगा इस म्यूजियम में। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गैलोज में, फांसी घर जहां पर फांसी दी जाती थी। और चलिए, ये हमें शायद ही देखने को नहीं मिलता, लेकिन पिछले ज़माने में या पुराने ज़माने में किस तरह यहाँ पर यहाँ फांसी दी जाती थी। ये था कंडेमनेशन रूम, यहाँ पर था। चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर एक सेल है, इस सेल को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। और आप चेक करिए यहाँ का जो लॉक एंड की सिस्टम था, देखिए ये बाहर से था ताकि अंदर के जो कैदी हैं वो इसे खोल ना पाए। और ये देखिए, एक बेड है यहाँ पर, वो भी पत्थर का, और एक यहाँ टॉयलेट है, देख सकते हैं क्या हालात है हमारे। ये सारे सेल हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक डिग्नेटरी है जो यहाँ पर दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से वो इस सेल में रहते थे। ये सारे सेल हैं। तो चलिए, यहाँ देखिए किस तरह से, ये देखिए गैलो है, एक फांसी है, किस तरह से दिखाया गया है कि जो फंदा था वो गले में डाला जाता था। और ये जो नीचे हाथ दिखाए गए हैं, वो आदमी इस फांसी को, सजा काटने के इस फांसी पे वो लटकाया जाएगा। तो यहाँ पर उसको डिपिक्ट किया गया है। तो ये ब्रिटिश सरकार के समय में, ये देखिए जो जेलर हुआ करते थे, उनके हाथ में एक चाबुक है। तो किस तरह के चाबुक के यहाँ पर बोलबाला था। और दूसरे रूम है यहाँ पर, जब कैदी को जब फांसी होती थी तो उसका फिर यहाँ पर एक ऑटोप्सी होता था, जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं। साथियों, देख सकते हैं ये स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ इन्हें लाया गया है। और सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी हमारे इतिहास की होनी चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चों लोग को लाकर अपने इतिहास के बारे यहाँ पर दिखाया गया है। एक्चुअली इस गैलोज है, ये फांसी थी। यहाँ पर साइमल्टेनियसली दो आदमी को फांसी देने का प्रावधान था। और आप नीचे में देख रहे हैं, नीचे में ये जो लोहे की पट्टियाँ, ये खुल जाती थी और वो फांसी वाले जिसको लटकाया जाता था वो नीचे झूल जाता था। और लटकने के बाद उसकी बॉडी को यहाँ पर नीचे में देख लिया जाता था, तब यहाँ से उसकी बॉडी को इस यहाँ से निकाला जाता था। तो यहाँ देखिए, एक लिस्ट ऑफ मार्टर्स एट अलीपुर जेल में, यहाँ पर जो जिनको फांसी दी गई थी, तो यहाँ पर सारे के नाम यहाँ पर अंकित हैं। मैं यहाँ पर बंगला में भी दिखा देता हूँ, ये उनके नाम है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये देखिए जो गैलोज है, फांसी के तरीके देखिए विभिन्न देशों में यहाँ पर दिए गए। ये पहले गांच पे लटका दिया जाता था। तो दोस्तों, ये था देखिए दिनेश गुप्ता का जो फांसी का जो एक्सीक्यूशन का यहाँ बारे बताया गया कि जिस दिन उसको फांसी देनी थी उस दिन उसके आगे की रात को उसे काफ़ी मात्रा में उसे अफीम खिला दी गई थी ताकि उसके होश ना रहे, और उसकी बॉडी पर उस अफीम का कोई भी असर नहीं रहा और वो पूरे होशोहवास में था। और उनके रिश्तेदारों को भी उनको यहाँ मिलने नहीं दिया गया था, और उसे इसी जेल में फांसी दी गई थी और इसी जेल में उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। और ये जो अस्थियाँ थी यहाँ पर, जो टॉली नाला है उसमें बहा दी गई थी। तो यहाँ पर एक मेडिकल एग्जामिनेशन रूम है कि जबकि कोई भी कॉन्विक्ट फांसी दी जाती थी
तो उससे पहले मेडिकल उसका चेकअप होता था, पहले फांसी के पहले और फांसी के बाद। तो उसमें यह पता लगता था कि फांसी देने पर पहले वो आदमी स्वस्थ है, और फांसी देने के बाद पता लगता था कि वो आदमी की मृत्यु हो चुकी है, और अगर किसी प्रकार का उसका पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत पड़ती थी तो वो की जाती थी। कहाँ से है, कोई स्कूल से आए? ज्ञान भारती। कहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्यों लाया गया, लाने का मकसद क्या? एजुकेशनल टूर के नाम से लाया गया। तो क्या कैसा लग रहा है आपको? अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। 10 क्लास कर रही है सर। जस्ट अ मिनट। तो इफ यू आर नॉट इन अ क्लास 10, तो लेट मी वन पर्सन एक्सप्लेन टू मी। तो आप लोग यहाँ पर आके कुछ शिक्षा लिए क्या? इतिहास के बारे में कुछ आपको पता लगा? क्रांतिकारी थे, हमारे देश के जो स्वतंत्र सैनिक थे उनके बारे में आपको किस क्या सोच है? अच्छा सोच है, अच्छा कि हमारे लिए किए, अभी हम लोग आजाद है। अच्छा, उन्हीं के वजह से। तो क्या आप भी उनकी तरह बनना चाहेंगे, अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे? जरूर। ओके ओके, थैंक यू। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये डीसी रॉय सेल है, जहाँ पर इनको यहाँ पर सेल में रखा गया था। ये सेल यहाँ पर विधान चंद्र राय जी को भी, यहाँ पर जो मान सचिव थे उनको भी ये सेल में रखा गया था। तो चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, कुछ ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सेल है जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता की, इस सेल का जहां पर वो कैद थे। ये देश प्रेम देश बंधु सेल। और ये है सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर सेल है। आप देखिए उनकी यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर रखी गई, जहाँ नेताजी को यहाँ पर कैद कर। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी जब काफी यंग थी, इनका नाम था प्रियदर्शनी, वहाँ यहाँ इंतजार कर रही है सेल के बाहर में, और गंभीर मुद्रा में यहाँ पर चिंतन करके बैठी हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों ये एक पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी है, यहाँ लाइब्रेरी में देखिए यहाँ पर कुछ किताबें भी रखी गई हैं फ्रीडम फाइटर्स की, और ये आपको मैं पुराने पोस्ट कार्ड्स वगैरह दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर पिनअप किए गए हैं, और यहाँ पर हमारे स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल की कुछ बहुत ही खास किताबें रखी गई हैं, और कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ बैठ के आराम से इस लाइब्रेरी में आराम से आप यहाँ पर बैठ के थोड़ा इत्मीनान से कुछ यहाँ पर अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। बेटा आप लोग कहाँ से आए हो? स्टीफन्स। आप कहाँ से? एक ही स्कूल है? Yes. तो आपको ये स्कूल की तरफ से लाया गया, तो क्या देखने को मिला आपको यहाँ पर, क्या देखिए आप? अच्छा, सो एक्चुअली डिड यू लाइक द actually it was a question was why ye hamara freedom fighter ke bare mein jo hamari jo yahan jail mein rakha jata tha uski jo saza di thi to kaisa laga aapko, kaisa feel hua? really nice na. to unko kya takleef hoti thi aapko aaj pata laga? what you have read in your books to aap aaj usko dekh rahe hain, acha laga aap logo? okay, enjoy. चलिए हम चलते हैं। अब ये देखिए पुलिस म्यूजियम है, जो यहाँ पर पुलिस म्यूजियम है, यहाँ पर जो ओरिजिनल गन्स थे, एम्यूशंस थे और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर थे जो ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट में यूज़ किए गए थे, तो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए इसे भी हम एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं अंदर में, देखते हैं अंदर में यहाँ पर क्या है।
एक बॉम्ब रखा गया था, वो डीएच किंग्सफोर्ड को भाई मानिकताला कॉन्स्पिरेटर्स को इस बुक के अंदर में, इस बॉम्ब के अंदर में छिपा के इस तरह रखा गया था। यहाँ पर दिखाया गया है, ये भी एक ट्रांस बॉम्ब है। ये देखिए बॉम्ब के कुछ पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट्स है, जो बॉम्ब वाइसरॉय लॉर्ड हेड लॉर्ड हार्डिंग को दिल्ली में यहाँ पर फेंका गया था December 23, 1912 में। तो उसके कुछ पोर्शंस हैं यहाँ पर इंटरनल, वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर रखे गए हैं। विपिन बिहारी गांगुली के पास थी ये छोटी सी पिस्टल, आप देख सकते हैं इसमें 6 गोलियां रखी थी। मानिकताला में जो बॉम्ब का जो कांड हुआ था, जो केस हुआ था, तो उसका एक डिपिक्शन यहाँ पर बड़े बम में रूप में यहाँ पर बना दिया गया है। तो दोस्तों ये डरिए नहीं, इतना बड़ा बम है नहीं, ये लाइव इसकी एक जस्ट एक कॉपी बना दी गई है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्टोरिक प्रिजन वार्ड, तो ये पिक दिखाता है कि यहाँ पर जो कैदी थे वो किस तरह यहाँ रहते थे। 100 साल पुरानी ये, तो ये सेल है, प्रिजनर्स हाउ दे लिव्ड, यहाँ पर कैदी को किस तरह रखा गया था और किस तरह के वो जीवन यहाँ व्यतीत करते थे, क्या उनको फैसिलिटीज मिलती थी। तो चलिए हम चल के देखते हैं कि यहाँ पर जेल में जब उनके बाल काटे जाते थे, जो नाई था यहाँ बाल काटते थे, उसके समय भी वहाँ पर ब्रिटिश के जो सिपाही थे वो रहते थे और टाइम नोट करते थे कि कितना टाइम उनको दिया गया है, और उस ज़्यादा टाइम में उनको यहाँ पर बैठाया नहीं जाएगा, लिमिटेड टाइम ही दिया जाता था। और ये देखिए कैदी को किस तरह से झुलाकर यहाँ पर उसको हंटर से मारा जाता था, और यहाँ देख सकते हैं तो कितना अत्याचार हमारे यहाँ मुल्क में हमारे ही भारतीयों के ऊपर किया गया इस ब्रिटिश शासन में। सब सफाई कर्मचारी वो भी शायद जेल में सजा काट रहा था। तो ये देखिए नहाने की फैसिलिटी यहाँ पर उनको, और ये एक सेल हुआ करता था। देखिए कितने सारे यहाँ पर कैदी को रखा गया है, और ये आराम फरमा रहा है। ये देखिए सारे कैदी यहाँ पर किस तरह से यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और ये शायद अस्वस्थ हो चुका है या उनकी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो शायद उनको दिलासा दिया जा रहा है और ये आराम फरमा रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ बनाया जा रहा है, कुछ फ्री में इसको यहाँ पर
पकाया जा रहा। तो ये था इनका यहाँ पर दिनचर्या, और ये शायद बाहर की तरफ देख रहा है। और यहाँ कुछ मस्ताने यहाँ पर देखिए कैदी थे, जो अपने प्रभाव से यहाँ पर देखिए दूसरे कैदी से यहाँ अपनी सेवा करवाया करते थे। तो यहाँ की देखिए ऐसी परिस्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, टूटा फूटा सेल जहाँ लाइट की कमी थी, और एक छोटे से आप रूम में देख सकते हैं कितने कैदी यहाँ पर कैद करके रखे गए थे। और यहाँ पर एक पीने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ एक पॉट रखा गया है जहाँ पर पानी उन लोगों के लिए रखा गया जाता था। तो आज हमारे इस म्यूजियम में स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं। हमें लगता है ये दो तीन स्कूल को यहाँ क्लब करके यहाँ लाया गया है, और उनको यहाँ पर म्यूजियम में यहाँ पर उनको जो इतिहास है उनको दिखाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कुछ और यहाँ पर क्या दिखाने लायक है। यहाँ पर आने के यहाँ है क्या, ये देखिए नजरुल जी को यहाँ पर रखा गया था। तो आप देख सकते हैं उनकी यहाँ पर एक प्रतिमा यहाँ पर बैठाई गई है। कवि नजरुल जी जो विख्यात यहाँ के कवि थे, और यहाँ बैठ के कुछ लिख रही कर रहे हैं, अपने हाथों से कुछ लिख रहे हैं। अब हम लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं, तंत्रकाल विविंग रूम। यहाँ जो तात का जो काम था वो कैदियों से कराया जाता था, क्योंकि कैदी यहाँ पर जो थे वो सिर्फ यहाँ पर रखे नहीं जाते, उसे काम भी कराया जाता था। इसे सश्रम कारावास जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए वो यहाँ तात का काम करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैदी यहाँ पर बुनाई का काम कर रहे हैं, उनसे यहाँ पर काम भी लिया जाता था, उसके बदले में उन्हें शायद उस समय जमाने में उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, लेकिन अभी यहाँ भी जेलर में काम कराया जाता तो उनको पैसे भी दिए जाते हैं। यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जब धागे बनाई हो जाती थी इसको रील्स में डाला जाता था। ये रील्स को यहाँ पर इकट्ठा करके ये तात बनाया जाता था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ चूल्हे बने हुए हैं जहाँ पर ये खाना पकाने का भी काम यहाँ पर किया जाता था। चलिए हम चलते हैं कॉफ़ी हाउस में, और कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर चलते हैं ऊपर में, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। और ऊपर में एक कॉफी हाउस है। तो दोस्तों ये था अलीपुर म्यूज़ियम के बारे में डिटेल्स में जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी, और आपको मैंने यहाँ के जितने भी सेक्शंस थे मैंने सारे एक सेक्शंस को मैक्सिमम एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो अगर आप भी कलकत्ता में आते हैं तो अपने बच्चों के साथ में इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइए, क्योंकि एक देखने वाली चीज़ है। अपने बच्चों को यहाँ लाइए और बच्चों को यहाँ दिखाइए कि हमारे प्री इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था वो किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी को किस तरह से यहाँ रखा गया था। और इस म्यूज़ियम को जो पहले जेल था अभी फ़िलहाल इसको तब्दील किया गया है। और यहाँ मैं आपको जो लोकेशन बता दूँ, ये अलीपुर म्यूज़ियम अलीपुर जेल के पास में ही है, कलकत्ते मेन टाउन पे सिटी पे ही है। और इनका जो टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर 5:30 बजे तक, और यहाँ की जो एंट्री फीस है
वो 30 रुपीज पर पर्सन है। तो अगर आप इस शहर में हैं तो इस म्यूजियम में आप ज़रूर आइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।